एक जगह पे आप कहते हैं कि अपने से बड़े पट्ठे से लड़ाई करनी चाहिए, तब जाके इंसान को सीखता है, मगर इंसान अपने उस्ताद से कैसे लड़ाई करे। एक जगह आप कहते हैं कि अपने से बड़े पट्ठे से लड़ना चाहिए, और एक जगह आप कहते हैं जी उस्ताद से कैसे लड़ाई करें। गुड क्वेश्चन जी। अपने से बड़े से हमेशा मुकाबला करने से इंसान ग्रूम होता है, तो अपने उस्ताद से भी लड़ाई, लफ्ज़ लड़ाई नहीं है, कम्पीट करना है, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन उसे कहते हैं। लड़ाई, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। लफ्ज़ सही इस्तेमाल करें। उस्ताद से लड़ाई नहीं की जाती, उस्ताद तो दूध मलाई होती है, बाप होता है, पीर होता है, रहबर होता है, इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसको गाइड करने वाला होता है। गलत गलत हो ठीक हो वो एक बात की बात है। तो बड़े से अपने उस्ताद से लड़ाई नहीं की जाती, अपने उस्ताद को एक टाइम पर खुद आता है, एक वक्त के उस्ताद ने खुद उसे एक्सेप्ट करना होता है, उस्ताद ने उसे खुद एक्सेप्ट करना होता है एक टाइम के ऊपर, और वो मुकाबला खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाना होता है वहाँ पर। तो उस्ताद के साथ कम्पीट करते हैं पॉजिटिव कॉम्पिटिशन के साथ, जिसमें आपकी लर्निंग, लड़ाई नहीं करते। जहाँ आपको पता होता है ना कि आपका पोटेंशियल आपके उस्ताद से बढ़ चुका है, ज़र्फ ये कहता है कि आपने उसको हराना नहीं है वहाँ पर। ये मेरी टिप है आपको, नेवर मेक योर टीचर लूज इन फ्रंट ऑफ यू। कभी नहीं हारते, कभी भी, कभी भी, कभी नहीं हारते, अपने उस्ताद को हराते नहीं हैं कभी। आपको जब पता चल जाता ना कि आप उस्ताद इस काबिल नहीं हैं, हम भी अपने बच्चों का, डोंट डू दैट टू योर टीचर। हमने भी कभी अपने उस्तादों से एक लेवल पर वो मुकाबला खुद ही मुलतवी कर दिया, क्योंकि डोंट डू दैट टू योर फादर्स, टू योर टीचर्स। अपने से बड़ों से बस अपना पोटेंशियल बढ़ाते हैं, वो हर टाइम दे, जो भी वो मुकाबला टफ होता है एक टाइम पर, वो आपको पता होता है कि अब बूढ़ा हो चुका है ये अब मुकाबले के काबिल रहा नहीं है, मैं अब आगे जाऊँगा।